Hello and welcome to this powerful video about 2cc business in FLP. देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस कंपनी का प्रेजेंटेशन आई जस्ट एज्यूम कि आपने इस कंपनी का प्रेजेंटेशन देख लिया है ओके देखिए 2cc बिजनेस बाद में आता है पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है प्रेजेंटेशन देख लिया है मतलब कि कंपनी का प्रोफाइल कंपनी के प्रोडक्ट के जो रेंज है प्रोडक्ट्स एंड कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है इसके बारे में आपने जानकारी ले ली है दैट इज़ व्हाट आई अज्यूम बिकॉज अगर आपने ये सब चीज़ें जानकारी नहीं ली हैं तो 2cc बिजनेस के बारे में समझ के कोई फ़ायदा नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द प्रेजेंटेशन ओके जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है भले आप किसी सेमिनार हॉल में जाके इसको अटेंड करिए चाहे आप ऑनलाइन अटेंड करिए व्हाटएवर बट प्रेजेंटेशन लेने के बाद ही 2cc बिजनेस के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आई होप दिस वीडियो विल बी वैल्यूएबल फॉर यू नाउ प्रेजेंटेशन अगर आपने देख ली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अब तक दैट फॉरएवर इज अ जेन्युइन कंपनी फॉरएवर इज नॉट अ फ्रॉड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज एन एथिकल कंपनी जो कि 40 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है 160 कंट्रीज के आसपास कंट्रीज में इसका बिजनेस है तो इट इज़ अ ह्यूज कंपनी देखिए क्या होता है एक नया पर्सन जब फॉरएवर के बारे में देखता है एक नई कंपनी के बारे में देखता है तो उसके लिए कंपनी नहीं है बट कंपनी का अगर हिस्ट्री देखे तो कंपनी की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा सॉलिड है बट होता क्या है सब कुछ अच्छा लगने के बाद एक चीज़ एक मेंटल ब्लॉक की तरह काम करती है दैट इज़ 2cc बिजनेस जिसको इंडियन करेंसी के हिसाब से इट इज़ अबाउट 30,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट लेने होते हैं टू क्वालिफाई असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हालांकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी आईडी तो फ्री में बन जाएगी बट टू क्वालिफाई फॉर AS लेवल एंड टू बिल्ड योर ओन टीम आपको 30,000 रुपीज़ का बिजनेस करना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए अब मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूँ अगर आपको ने प्रेजेंटेशन देखी और आपको सब कुछ ओके लगा मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँगा 1 से लेकर 10 तक अगर मैं आपको रेटिंग करने के लिए बोलूँगा 1 का मतलब बिल्कुल बकवास मुझे नहीं करना 10 का मतलब ओ इट इज़ रियली ऑसम मुझे ये करना ही करना है अगर आप 1 to 10 की रेटिंग में अगर 2, 3, 4 up to 10 कुछ भी बोलें तो मैं आपको बोलूँगा कि नाउ अंडरस्टैंड कि आप करना तो चाहते हैं 1 का मतलब नहीं करना चाहते लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है इट मीन्स यू वॉन्ट टू डू इट ओके आई अंडरस्टैंड कि एक प्रेजेंटेशन के बाद एक BOPP देखने के बाद इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है बट एक माहौल को अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी नाउ जब 2cc करने के लिए आपका जो स्पॉन्सर है आपका जो मेंटर है जिसने आपको इन्वाइट किया वो आपको बोलता है 30,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट लेने होते हैं तो यहीं पर ही कुछ लोग पीछे हट जाते हैं इग्नोर करने लग जाते हैं और बातचीत करना बंद कर देते हैं नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दैट 2cc बिजनेस के बारे में लोग अक्सर सोचते हैं कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अरे भाई मुझे 30,000 रुपीज़ पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ओके बट मैं आपको बोल रहा हूँ डोंट कंसिडर 30,000 रुपीज़ एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर 30,000 रुपीज़ एज एन असाइनमेंट देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये ओके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा कुछ लगा नहीं होता बट एक बहुत बड़ी चीज़ लगी होती है हमारी खुद की इमेज लगी होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक इतनी बड़ी कंपनी है उसमें आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेंगे सिमिलरली फॉरएवर का भी बहुत कुछ दाव पे लगा होता है और जो दाव पे लगा होता है वो होती है इस कंपनी की इमेज ओके क्योंकि आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं और आप इस डिस्ट्रीब्यूटर बन के कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे तो कंपनी आपसे ना तो इंटरव्यू लेती है ना आपसे कुछ पूछती है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और व्हाटएवर नथिंग कंपनी कहती है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में देन यू कैन डू इट सो कंपनी ने ये जो 2cc का जो बिजनेस बोला है कि 2cc का बिजनेस करो मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस एंगल से देखिए दैट दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट दिस इज़ एन असाइनमेंट असाइनमेंट मीन्स कि 30,000 का बिजनेस तो करिए जो प्रोडक्ट है इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करिए पहले खुद यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे जो प्रोडक्ट के बारे में आपको खुद का कन्विक्शन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30,000 की प्रोडक्ट एक एंगल ये कि आप ऐसे सोचिए कि 30,000 की प्रोडक्ट लेकर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेकर फॉरएवर के मैं यूज़ करूँगा समझूंगा दिस इज़ एन असाइनमेंट दिस इज़ अ लर्निंग बिजनेस तब स्टार्ट करिए
जब आपको थोड़ी बहुत लर्निंग हो कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कैसे ट्रैफिक जनरेट करना है, कैसे लोगों को लेके आना है, इनविटेशन, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें सीख रहे हैं ना। सिमिलरली बिजनेस के बारे में तो सीख ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कैसे सीखेंगे, प्रोडक्ट को खुद यूज़ करके। तो एक तो ये है कि टेक इट एज एन असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब कि टेक इट एज एन असाइनमेंट कि 2 महीने के अंदर आपको 30,000 का बिजनेस करना है। ओके, मतलब 30,000 के प्रोडक्ट ले लीजिए, यूज़ करिए, और 30,000 का मैं आपको बोलूँगा इस माइंडसेट से करिए कि 2 महीने के अंदर ये 30,000 रुपीज़ वापस कमाने हैं। अगर आपने वापस 2 महीने के अंदर कमा लिए ये रुपए, तो फिर देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो अच्छा ही है सब कुछ, उसके आगे जो कुछ भी होगा हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है, राइट। अब इसको और एक और एंगल से समझिए, फिर भी इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपको लगता है वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन 30,000 नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में ई रिक्शा चलते हैं। ओके, ई रिक्शा, आपको क्या लगता है कि जो लोग रिक्शा चलाते हैं रोड पे, क्या लगता है कि क्या वो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं? अच्छे घर से इन द सेंस लोअर मिडिल क्लास से हैं, जिनके पास रुपए की कमी है, तभी तो वो रिक्शा चला रहे हैं। एक रिक्शे वाला भी अपने आप को जिंदगी भर रिक्शा वाला कहलाने के लिए कहीं ना कहीं से 1.25 लाख रुपए रिक्शा खरीदने में लगाता है। ओके, 1.25 लाख रुपए लगाता है, कहीं ना कहीं से अरेंज करता है, किसी से उधार लेता है, किसी से ब्याज पे लेता है, कैसे भी करता है, बिकॉज उसको ये चीज़ उसको समझ में आ जाती है कि अगले दिन अगर वो रिक्शा रोड पे उतारेगा और काम करना स्टार्ट करेगा तो अगले दिन से रुपया कमाना स्टार्ट करेगा। अगर एक रिक्शे वाला जिंदगी भर अपने आप को रिक्शा वाला कहलाने के लिए कहीं ना कहीं से रुपये अरेंज कर लेता है 1.25 लाख रुपए, तो क्या अपने आप को जिंदगी भर के लिए एक ग्लोबल एंटरप्रेनर, एक ग्लोबल बिजनेस डेवलपर, एक ग्लोबल बिजनेस कंसल्टेंट कहलाने के लिए कि आप सिर्फ 30,000 अरेंज नहीं कर सकते? नाउ लेट मी टेल यू कि कोई अगर ये पर्सन बोलता है कि मेरे पास 30,000 रुपीज़ नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो मैं आपको बोलूंगा अफोर्डेबिलिटी हैज़ नो कनेक्शन विद योर वॉलेट। अफोर्डेबिलिटी हैज़ नो कनेक्शन विद योर वॉलेट, अफोर्डेबिलिटी हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद योर माइंड सेट। सो जस्ट ओपन योर माइंड एंड जस्ट गिव योर माइंड एन इंस्ट्रक्शन दैट हाउ टू अफोर्ड इट। डोंट गिव दिस माइंड डोंट गिव दिस सिग्नल टू योर माइंड कि आई कैनॉट अफोर्ड इट, जस्ट से टू योर माइंड हाउ टू अफोर्ड इट। जब आप अपने आप से ये पूछेंगे हाउ टू अफोर्ड इट, यू विल गेट मैनी मैनी वेज आप किस तरीके से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। यू विल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अगर आपके पास रियली में रुपए की कमी है तो 10-15 लाख रुपए खर्च कर देते हैं कॉलेज में जाकर सीखने में और अपने आप को प्रिपेयर करने में कि 4 साल के बाद जब बीटेक करके बाहर निकलेंगे तो फिर एक अच्छी नौकरी मिलेगी और तब जाकर रुपया कमाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर अगर अच्छी मेहनत करी जाए 30,000 रुपये में आपका एक ग्लोबल बिजनेस चालू हो जाता है, इससे बढ़िया और क्या होगा। इस वीडियो में बस मैं आपको इतने बताना चाह रहा था कि 2CC बिजनेस 30,000 रुपीज़, इसको एक असाइनमेंट की तरह लीजिए, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। माइंड को ओपन करिए, डोंट से आई कैनॉट अफोर्ड इट, ऑलवेज से हाउ टू अफोर्ड इट, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ मनी मेकिंग मशीन विच यू आर बाइंग, दिस इज अ मनी मेकिंग मशीन, दिस इज गोइंग टू गिव यू मनी। ओके, सो अगर फिर भी आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद बात नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बोलूंगा अगेन गो थ्रू दी प्रेजेंटेशन, समझिए वॉट दी वैल्यू यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको वैल्यू नहीं समझ में आ रही है ना इस कंपनी में जुड़ के आपको क्या मिलने वाला है, मैं आपको बोलूँगा 30,000 छोड़िए, आप 3 रुपये भी अपनी पॉकेट से नहीं निकालेंगे, बट अगर वैल्यू समझ में आ गई तो 30,000 रुपये कुछ नहीं है। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड 2CC को सही नज़र से देखिए और ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई एम डैम श्योर दैट यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट ज्वाइन दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।